जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों जहां पर आपको जीडी की तैयारी के लिए पूरी मेहनत से आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसमें आपको जो फैक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है, फैक्ट जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उसी लेवल के फैक्ट आपको बताए जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के बारे में ऐसे फैक्ट बताए जाएंगे, डिटेल बताई जाएगी जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछी गई है, जो पूछे जाने की संभावना है वही बताई जाएगी। देखिए, हमने इससे पहले आपके जो 6 शिफ्ट है इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये रहा हमारे पास 7वीं शिफ्ट, अर्थात हमारे जो है 18 नवंबर 2021 का पेपर लेके आए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके आए, इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। गन से यूट्यूबर ऐसे है जो आपको ले लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन सेम, और उसके बाद आपके जो गलत गलत क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें आपको गलत बताते हैं, तो जिससे क्या होता है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सही से पता नहीं चल पाता। इसलिए हमने आपके लिए सीधे स्क्रीनशॉट उठा के लेके आए। ये देखिए, 9 है इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी होती है वो कब से होती है, 9 बजे सुबह से होती है, उसका पेपर हमने लेके आए। तो ये 18 तारीख का है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो देखिए, इसका हाथ मलने का सही अर्थ क्या होगा, पछताना। क्या होता है, पछताना होता है। पछताने का मतलब क्या हो जाता है, आप अगर किसी काम को कर रहे हैं तो पहले आपने उस काम को कर लिया परंतु बाद में आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करना था, मतलब क्या होगा, अब हाथ में हाथ रख के मलना या पछताना होता है। ठीक है, यही पूछा गया था कि हाथ मलना या पछताना, तो इसका जो होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पछताना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि जब भी आपको नीचे इस तरह से लाइन दे दे तो समझ लेना उसी शब्द में कोई ना कोई गलती होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए, मैं आम खाया गया, तो मैं आम थोड़ी खाया गया, मुझसे आम खाया गया ना, मतलब मेरे द्वारा खाया गया, मुझसे खाया गया। ठीक है, मुझसे, मेरे द्वारा या मुझसे खाया गया आम। ठीक है, यही पूछा गया था कि इसके स्थान पर क्या रखा जाए, प्रतिस्थापित करने की बोलेगा। बस आपको ये देखना है और हमेशा ये देखना है किसके अक्षर के नीचे लाइन लिखी हुई है, बस वहीं पर आपको जाना है और उसमें शब्द रख के जमा के देख लेने से, मुझे आम खाया गया तो मुझे आम थोड़ी खाया गया, मुझसे आम खाया गया, मेरे द्वारा, मतलब मुझसे का मतलब होता है मेरे द्वारा आम खाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है बेथा का विलोम या बेथा का पर्यायवाची शब्द बताने, क्या बताना है, बेथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो बेथा का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, दुख होता है। बेथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दुख होता है। अगर बात कर ले यहाँ पर इसकी बात करें तो वियोग का पर्यायवाची क्या होता है, तो अलग हो जाता है। ठीक है, अलग होना या विच्छेद होना, इनमें विच्छेद होना, ठीक है, या अलगाव होना। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके वियोग के पर्यायवाची हो जाते हैं, किसके, वियोग के पर्यायवाची हो जाता है। और अगर चिंता की बात करें, चिंता का होता है जैसे कि किसी की परवाह करना, क्या हो जाता है, परवाह करना। और इसके बाद चल के जैसे परवाह करना होता है और ध्यान करना, फिक्र करना, और ये सभी क्या होता है, इसके होते हैं। सुख की बात करें तो सुख का भी तो आप सभी बता सकते हैं, जैसा यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जिस सुख का मतलब चैन अमन शांति, ये सब क्या होता है, चैन अमन शांति, ये सब सुख के हो जाते हैं ना, चैन अमन शांति जो काय के होते हैं, ये सब सुख के पर्यायवाची हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, छट्टी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो आपकी आम भाषा में कहते हैं किसी को छट्टी का दूध याद दिलाना, मतलब कि उसको उसके औकात बताना या उसकी बुरी हालत हो जाना, ये क्या होता है, उसकी छट्टी का दूध याद दिलाना आपकी सिंपल भाषा में होता है। यहाँ पूछा गया है तो इसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए, संकट के समय जो पिछले सुख है उसे याद करना। अब आपके ऊपर क्या हो गया, छट्टी का दूध याद आ गया, मतलब कि अब आप तो आपकी हालत क्या हो गई, खराब हो चुकी है, परंतु अब आपको क्या, जो पिछला सुख है उसको याद करना। संकट के समय में क्या बोला गया है, जो पिछले सुख है उसको याद करना, और उसको सुख को याद करके अपने को जो दुख हुआ है उसको परिवर्तित करना होता है। ठीक है, संकट के समय में पिछले दुख को याद करना छट्टी के दूध का मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया सही वर्तनी बताना है। तो सही वर्तनी परिणाम के तो आप सभी बता सकते हो, क्योंकि यह तो हमें अधिकतर आपके द्वारा यूज करने वाला वर्ड है परिणाम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ त्रुटि वाला भाग आएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ तो इतना यूज किया गया इसके लिए केवल आप, तो देखिए यह वाले के लिए इतना यूज किया गया, निपुणता मतलब इतना यूज किया गया है निपुणता से, और फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो अब आपको यह अक्षर इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, इसमें आपको बताना कौन सा गलत है। तो देखिए, केवल के साथ दोनों वर्ड एक साथ नहीं होते, क्या होता है, केवल के साथ आपका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए आप इतना क्वेश्चन आप पढ़िए, तो देखिए आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सही हो गया ना।
देखिए आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, किसी की तुलना आप किसी से थोड़ी कर रहे हैं कि केवल आप ही, किसी की इसमें तुलना नहीं की गई है, सिर्फ यह बताना है कि आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है हमारी राजभाषा है तो उचित शब्द बताइए। तो सभी को पता है कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। अगर पूछ ले आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है, भारत की एक ही भाषा है जो राजभाषा है, उसे हम हिंदी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो इसमें देखिए करते हैं एक अलग शब्द हो गया, मजदूरों का ये देखिए ये अलग शब्द हो गया, मालिक अलग हो गया और शोषण अलग हो गया। तो इसमें आपको सभी को दिख रहा होगा शोषण गलत है, क्योंकि शोषण किस तरह लिखा जाता है, शोषण आपका इस तरह लिखाता है कि नहीं लिखाता है, शोषण आपका इस तरह से लिखाता है ना, शोषण इस तरह से लिखाता है। यहाँ पर देखिए ये सणकर्ण वाला यूज नहीं किया, सा सरोते वाला यूज किया, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो देखिए किसी और स्थान पर जाने के लिए क्या बात करते हैं, अन्यंत्र का बात करते हैं, मतलब अन्यंत्र होता है किसी और स्थान के लिए जो एक शब्द होता है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, अन्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अन्यंत्र मतलब क्या हो जाता है, अन्य जगह, अन्य देखिए अन्य का मतलब हो गया अन्य कोई, ठीक है, तो क्या हो गया किसी और, अन्य का मतलब क्या होता है किसी और, तो इनमें कोई से ऐसा दिख रहा है कि अन्य, तो यहाँ पर आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे कि किसी और के लिए हम क्या करते हैं अन्य का प्रयोग करते हैं, अन्य मतलब सभी में कोई ना कोई अलग हो, तो इसके देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा किसी और स्थान के लिए क्या हो जाएगा अन्य यात्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन्नति का विलोम बताइए, तो उन्नति का विलोम होता है, उन्नति का मतलब कोई भी काम में आप उन्नति कर रहे हैं मतलब कि सफल हो रहा है, और अवन्नति का मतलब होता है किसी भी काम में विफल होना या नीचे गिरना होता है, उन्नति का मतलब ऊपर उठना होता है। अगर पूछ ले यहाँ पर सम्मति का विलोम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया जाए जैसे कि सम्मति का विलोम असम्मति होता है, क्या होता है असम्मति होता है, सम्मति का विलोम क्या होता है असम्मति होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम आपको जो डिटेल में है वो सब बता दिए जाएंगे। और जो यहाँ पर देखिए दुर्गति का क्या होता है सुगति होता है, दुर्गति का क्या होता है तो सुगति होता है, दुर्गति का जो होता है वो होता है आपका सुगति होता है, दुर्गति का क्या होता है सुगति होता है, ये देखिए इतने आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया जैसे मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या होगा, निर्वहन होगा नहीं, आभार होगा नहीं, आधार होगा नहीं, दायित्व होता है ना आपकी भाषा में, हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या होता है दायित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है, तो मनुष्य जीवन में यदि क्रोध करोगे तो क्या सफल होगा, नहीं होगा, आलसी जीवन करोगे तो क्या सफल होगा, लोभ लालच करोगे तो क्या सफल होगा, जितना परिश्रम करोगे उतना आप सफल हो गए, अगर आपने जीडी में परिश्रम कर लिया तो जरूर आप सफल हो गए, क्योंकि आप अगर सोचे कि फॉर्म डालने के बाद में 3 महीने में तैयारी कर लूँ तो वो असंभव है, ठीक है, आपके पहले से तैयारी है तो आप कर सकते 3 महीने में, परंतु आप सोचे नए कैंडिडेट अगर सोचे कि मैं 3 महीने में तैयारी कर लूँ तो यह असंभव है, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको कब से लगना होगा, अभी से ही लगना होगा, क्योंकि आपके जो फॉर्म है वो नवंबर से दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, कब से ये आपके फॉर्म होंगे वो लगभग 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, कब से 10 दिसंबर से स्टार्ट होके 19 जनवरी तक भराएंगे, कब तक भराएंगे तो देखिए 19 जनवरी 2023 तक भराएंगे, और कब से स्टार्ट होंगे तो 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे, और 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म स्टार्ट रहेंगे लगभग 1 महीने से ज्यादा, ठीक है, 40 दिन के समथिंग आपके फॉर्म भराएंगे, ये डेट भी मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो मोल, मोल का मतलब क्या होता है, आप ऐसे पूछते हैं किसी भी ग्राहक से इसका मोल कितना है, इसका दाम कितना है, तो यही तो पूछा गया है कि मोल का समानार्थी क्या होता है, तो दाम होता है, मोल का समानार्थी क्या होता है दाम, उसका कितना रुपया मतलब उसका जो मोल है कितना है, कितना दाम है, क्या है, ये पूछा जाता है ना। मुक्ति का क्या हो जाएगा, मुक्ति का हो जाएगा अगर क्या पूछ लिया जाए समानार्थी, तो मुक्ति का समानार्थी क्या होगा आप सभी जैसे बता सकते हो, तो पहले आप एक बार कमेंट कर लिए जल्दी से एक बार, तो मुक्ति का विलोम अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है जल्दी से एक बार बता दीजिए, जैसे कि कहते नहीं है मुक्ति देना किसी को, क्या होता है मुक्ति देना होता है, तो मुक्ति का मतलब होता है निर्वाण, यहाँ पर आपने सुने होंगे जैसे कि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, ये सब हिस्ट्री के शब्द भी आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है, मोक्ष निर्वाण, और मलिन का मतलब क्या होता है गंदा होता है, क्या होता है गंदा खराब, तो ये क्या हो जाता है सब मलिन का मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए,
तो अतिथि की सेवा करने वाले क्या कहलाते हैं? अतिथेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिथेय कहलाते हैं। और आशुतोष पूछे तो आशुतोष का पर्यायवाची क्या होता है? अधिकतर जो अर्थ होता है आशुतोष का क्या होता है? हमारे भोले शंकर से होता है। किससे होता है? महादेव से होता है आशुतोष का संबंध, ठीक है। और यहाँ पर सेवक क्या होता है? जो किसी की भी सेवा करता है उसे कहते हैं, मतलब कि जैसे स्वामी की सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, स्वामी की सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, और अतिथि की सेवा करने वाले अतिथेय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने बता चुका हूँ प्रतिस्थापित वाले स्थान पे, मतलब जो लाइन होगी इसी में कुछ ना कुछ गलती होगी। जैसे परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा क्या जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है? तो को नहीं आएगा, यहाँ क्या आना था? क्या आना था? परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, तो यहाँ पढ़ सकते हो को, यहाँ पर भी डबल मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो रहा है? ये बड़ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो परिवार नियोजन को कार्यक्रमों का, को कार्यक्रमों, ये गलत हो गया ना, के कार्यक्रमों सही हो रहा है ना, तो यही आपको ये सब पढ़ के भी देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो यहाँ पर ये देखिए, बदली के पीछे वाला क्यों बट गलत दिया गया है? क्योंकि कई दिनों की बदली के बाद, बाद आएगा ना, पीछे थोड़ी आएगा, बदली के पीछे थोड़ी आएगा, के बाद आएगा ना, बदली के बाद आज धूप निकली, बाद में बात करेंगे ना कभी भी, तो बदली के पीछे थोड़ी, बदली के बाद आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो धरती और आकाश के बीच क्या है? तो अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। दीप क्या होता है? तो दीप जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पर जमीन वाला भाग है और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, दीप हो गया, ठीक है। ये एक ऐसा भाग जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है वो द्वीप कहलाता है। अंतरिक्ष क्या होता है? धरती और आकाश के बीच होता है। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत पठार हो जाता है। गिरी का मतलब क्या हो जाता है? पर्वत पठार होता है। और अंतरिक्ष का मतलब होता है जैसे कि टापू होता है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हो जाता है? टापू हो जाता है, जो कि यहाँ पर तीन तरफ से पानी भरा होता है इसमें, ठीक है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हो जाता है? टापू हो जाता है। बहाव उपकरण जिसके तीन तरफ क्या हो, समुद्र हो, क्या हो, तीन तरफ पानी या समुद्र हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चारों तरफ पानी या समुद्र हो, वह क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तने वाले शब्द को बताइए। तो देखिए, कभी भी आप धराशाही का यूज करते हैं, धराशाही का नहीं, धराशाही सुने हो नहीं सुने हो, धराशाही सुने हो नहीं सुने हो, धराशाही के सुने होंगे, धरा धरा और फिर साई, ठीक है। ये देखिए दो शब्दों से इस प्रकार से बनाना है आपको, वर्ड को तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, तो आपको सभी को पता होगा कि इसी में कोई ना कोई गलती होगी, मैंने आपको बता चुका हूँ। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो यहाँ क्या हो गया, देता है क्या, देती आएगा ना, अधिक अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ठीक है। अधिक जनसंख्या क्या देती है? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। तो ये देखिए, जन्म देती है, यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे कि तिमिर का विलोम शब्द बताइए। तो तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार होता है, ठीक है, अंधकार होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाता है? आकाश का हो जाता है पाताल या धरती या भू हो जाता है। रात्रि का हो जाएगा दिन, दिवस, दिन दिवस बार, ये सब क्या होते हैं? इसके विलोम होते हैं, ठीक है। अंधकार का क्या हो जाएगा? तो अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, ये सब क्या हो जाते हैं? इसके पर्यावरण विलोम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके जो हो गए फिर गद्यांश स्टार्ट होते हैं, तो गद्यांश में देख लेते हैं। गद्यांश में आपको देखिए, कभी भी उसके पहले वर्ड से पहले अगर यूज हो रहा है तो उसके पहले आपको डिपेंड होता है कि पढ़ने के ऊपर आपका क्या आएगा वहां पर। जैसे आचरण की सभ्यता का देश ही क्या कहलाता है? निराला कहलाता है। अब भयंकर तो कहलाएगा नहीं, रंगीला भी नहीं कहलाएगा, मतवाला भी नहीं कहलाएगा, आपको हिंदी के वर्ड वहां पर यूज करना है। तो कैसे कहलाएगा? निराला कहलाता है, मतलब आचरण की सभ्यता का देश ही निराला कहलाता है, भयंकर थोड़ी कहलाएगा। भयंकर क्या यूज करोगे? नहीं करोगे, मतवाला करोगे? नहीं करोगे, रंगीला करोगे? रंगीला है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होगा निराला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, उनमें ना शारीरिक झगड़े, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह, ना ही जंग का क्या होता है? नामो निशान होता है, नामो निशान नहीं होता है, ठीक है। तो संकेत, संकेत होगा क्या? संकेत का यूज नहीं करेंगे, लक्षण का भी नहीं करेंगे, क्या लक्षण की बात की गई? नहीं, चित्कार का भी नहीं, नामो निशान नहीं होता, इस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है जैसे कि, और ना वहां कोई ऊंचा है, तो ऊंचा नहीं है तो ना तो वह नीचे होगा, तो जहां वहां कोई जो व्यक्ति की
सभ्यता से बात की जाती है, नामो निशान नहीं है किसी भी प्रकार का, जैसे कि कोई आध्यात्मिक मानसिक बात की जाए, विद्रोह की बात की जाए, जंग की बात की जाए, तो मनुष्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ना तो वह शारीरिक झगड़े से, मानसिक से, आध्यात्मिक ज्ञान से, विद्रोह से, ऊंचा नीचे की बात नहीं की जा रही है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मतलब वहां कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, ना कोई धनवान है और ना ही कोई वहां क्या है निर्धन है, ठीक है। क्या है, ना तो कोई धनवान है ना तो कोई निर्धन है, मतलब एक बीच की बात की जाती है कि कोई ना तो ज्यादा अमीर है ना तो कोई गरीब है, ठीक है। यहाँ बात की गई है वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है, भारत कैसा है, एक अखंड राज्य है, सभी को पता है। तो इस प्रकार से आपको लगाना था, टोटल हमारे 25 क्वेश्चन जो हिंदी के थे कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। वीडियो के लिए आपको बता दूं बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक जरूर करके जाया करें। और अगर आप लोग जो आपके 25 में के जैसे भी क्या है आपके जो सॉल्यूशन चल रहे 25-25 करके, तो आप इनको देखने के लिए हमारे चैनल पे जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जीडी के सफलता के लिए 75+ नंबर लाने की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और नॉर्मलाइज होकर ये कितना हो जाएंगे, लगभग 82 से 83 हो जाएंगे। और आपको बता दूं कट ऑफ कितना जाएगा आपकी बार, लगभग 70 से 72, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, देख लेना, 72 से ज्यादा किसी भी भारत के किसी भी राज्य में 72 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये आपको लिख के दे दूं मैं कि 72 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जब आप इतने नंबर लाएंगे तो आपका तो फाइनल सिलेक्शन है, CISF मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। इतने में क्या रहेंगे, CISF की पोस्ट मिलेगी, जो कि राजा नौकरी होती है आपकी GD में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर। जय हिंद दोस्तों।